अस्सलाम वालेकुम। तो आज बनाने जा रही हूँ शिकंजी, और आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको शिकंजी बनाने का मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब पास वाले बेल बटन क्लिक करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरी भी वीडियोस मिस ना कर पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बनाने जा रही हूँ शिकंजी, और शिकंजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप ठंडा पानी ले लिया, यानी कि 250 ml, 3 नींबू की स्लाइसेस, थोड़े से पुदीने के पत्ते, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 से 2 बड़े चम्मच चीनी, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और 4 आइस क्यूब्स। मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडिंग जार लिया और उसमें मैं 1 कप ठंडा पानी डाल दूंगी। अब मैं इसमें चीनी, नमक और जीरा पाउडर डाल दूंगी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें नींबू का रस डाल दूंगी, और अब मैं इसमें आइस क्यूब्स डाल दूंगी। अब मैं इसके लिड लगा लूँगी और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया, और अब मैं इसके लिड हटा लूँगी, और इसमें मैं आधा छोटा चम्मच जलजीरा पाउडर डाल दूँगी, जो कि ऑप्शनल है। तो ये जलजीरा पाउडर डाल दिया मैंने इसमें। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी एक बार, और अब मैं इसे सर्व कर लूँगी। तो शिकंजी सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सर्विंग ग्लास लिया है, और इसमें मैं आइस क्यूब्स डाल दूंगी। मैं इसमें 2 से 3 आइस क्यूब्स डाल दूंगी। और अब मैं इसमें ये पुदीने के पत्ते डाल दूंगी, 3 से 4 पुदीने के पत्ते डाल दूंगी मैं इसमें, कुछ इस तरीके से तोड़ के। फिर पुदीने के पत्ते भी डाल दिए मैंने ग्लास में, और अब मैं इसमें नींबू के स्लाइसेस डाल दूंगी। और अब मैं इसमें शिकंजी डाल दूंगी ग्लास में, और मैंने इसके ऊपर थोड़े से पुदीने के पत्ते से इसे गार्निश किया, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूंगी, और अब मैं इसे सर्व कर लूंगी। तो शिकंजी मैं सर्व कर लिया। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इट गुड एंड फील गुड, बाय।